यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 18। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले एक मॉब फार्म, जहां से हमको बहुत सारे जॉम्बी की लूट और बाकी सारी चीज़ें मिलेगी जो मिलती हैं मॉब से। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने एक फार्म पहले बनाया था, लेकिन एक तो ये बहुत ख़राब लग रहा है, प्लस में रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे और अभी तक मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है। तो मैं इसको तोड़ के नया बनाऊंगा, लेकिन तोड़ूंगा अभी नहीं, बाद में तोड़ लूँगा। और आज के वीडियो में दूसरा एक छोटा सा फार्म बनाएंगे, देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। चलेगा क्या एमएलजी ट्राई करते, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं। और तो जानी चाहिए कायदे से। गाइस नहीं हुई, लेकिन बच तो गया। अरे एक्सपी फार्म से खेलने में कैको मन था तुम्हें, हट दे। गाइस चल लिए, अब सबसे पहले हमको इसके लिए चाहिए लावा, ट्रैपडोर और हॉपर। तो सबसे पहले लावा तो नेदर में चल के ले आते हैं, लेकिन ये पानी का क्या करें। रुक जा। हाँ गाइस, हमने पानी वेस्ट कर दिया है, अब हम चलते हैं नेदर में। अरे बाहर आ गए फटाक से, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीसफुल की जगह हम लोग नॉर्मल ट्राई करें, नॉर्मल डिफिकल्टी में। देखते हैं जिंदा बच्चे बचते हैं कि नहीं। हो जाया इजी, माना गाइस मैं नॉर्मल डे पीसफुल में ही आ जाता हूँ वापस। लेना लावा कैसे लेते हैं, गैस नीचे चल के लेक में से ले लेते हैं, पता नहीं हट आ ही नहीं रहा लावा। हाँ गैस यहाँ से आ रहा है ना, नीचे मैग्मा है। तो गैस हमने लावा ले लिया है, चल चल चल। आजो हेलो सर, भगो भगो आइए सर, आ गया। अरे कहाँ गया, गए वो तो पता नहीं कहाँ चले गया, लेकिन हॉपर गाइस इसमें पर है तो वही मैं ले लेता हूँ। अरे हाँ गाइस, तो हमने हॉपर भी ले लिया है, अब हम चलते हैं ट्रैपडोर बनाने। देखो गाइस मेरे पास वुड परी होगी और मैं ट्रैपडोर बना के ले आता हूँ। सो गाइस मेरे पास वुड तो है नहीं, तो अब मैं जाऊंगा वुड माइन करने, लेकिन उससे पहले रात हो चुकी है तो पहले मैं जाके सोऊंगा। अरे
गाइस अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, पिछले के एक दो दिन पहले वाला, तो मैं आपको अपना सीक्रेट बेस और माइंड भी दिखा देता हूँ। इंटरनेट हटा है तो गाइस देखो, ये है हमारा सीक्रेट बेस। और फिलहाल जो है इधर कुछ बनाया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इधर पूरे विलेजर्स के लिए घर बना दूँ। और गाइस मेरे साथ एक्चुअली एक और दिक्कत हो गई है, जो हमने विलेजर हॉल बनाया था उसमें क्या हुआ, जो विलेजर थे हमारे पास विलेज में, वो एक्चुअली क्या थे, और सब जॉब कर रहे थे अपने, और मुझे ये पता नहीं था कि जो जॉब करता है उसकी जॉब चेंज नहीं कर सकते। तो गाइस देखो, ये स्मोकर लाइब्रेरियन हो गया है, ट्रेड, हेलो अंकल ट्रेड, ऐसे लोग ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इनका क्या करना है, ट्रेड तो कर लो, अरे रुक रुक, हट जा गाइस, मैं तो कर लावा डाल दूँ। लेकिन गाइस एनीवे तो चलते हैं हम। हाँ तो गाइस हमको बनाना है अपना मॉब फार्म, और उसके लिए चाहिए हमको बहुत सारे हॉपर। तो चार तो मैंने ले लिए थे, लेकिन हमको चाहिए छः और ट्रैपडोर भी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं वुड माइन करना है, पूरे जंगल इधर पर आए। गाइस मैं जैसे ही थोड़ी वुड माइन हो जाए वैसे ही मैं मिलता हूँ। सो गाइस मैंने 5 और 17 वुड माइन कर लिए, अब मैं थोड़ी और कर रहा हूँ। डायमंड के एक्स बहुत फास्ट हो रही है, आई थिंक 22 काफ़ी होगी ट्रैपडोर के लिए। अरे वर्क भी कर रहा है हमारा फार्म, चलिए चल के देखिए, मैं आया ही नहीं हूँ। चल खुल, हाँ गाइस ये देखिए 54 शुगर केन, आ चुके हैं इसमें। अब ये एक बड़ा हो चुका, अरे एक और बड़ा हो चुका है, जैसे ये ऊपर पहुँचेगा तो कट जाएगा क्या। गाइस चलिए चल के अब क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्लैंक, आई थिंक 64 तो मैं बना लेता हूँ, प्लैंक तो काम आता रहता है। सो गाइस अब मैं बना लेता हूँ ट्रैप डोर। आई थिंक गाइस इतने काफ़ी होंगे। अब मेरे को जाना है आयरन की माइनिंग पे, तो जैसे हमारा माइन है वहाँ हम चलते हैं और पूरा आयरन वगैरह थोड़ा माइन करके आते हैं। सो गाइस मैं आयरन माइन करके आ चुका हूँ, 24 आयरन है मेरे पास अब मैं, और मैंने स्मेल्ट भी कर दिया, तो चेस्ट पर ही है ऊपर मेरे चेस्ट में, मैं फटाक से चल के वो ले आता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ से चेस्ट लेके आ चुका हूँ, अब बनाने मेरे को हॉपर, कहाँ के हॉपर, गाइस 4 हॉपर बन जाएंगे, ये हो गए हमारे 8 हॉपर। तो गाइस अब हमने सब बना लिया है, अब हमको जाना है। तो गाइस वो एक मॉब फार्म हम बनाएंगे यहाँ, सबसे पहले उसके लिए हमको डिग करना है।
इज 1, 2, 3 ब्लॉक डिग करना है। तो गाइस मैंने इतना डिग कर लिया है, आपके पास अगर हॉपर ज़्यादा हो तो आप और एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो गाइस अब हमको लगाने हैं हॉपर, लेकिन उससे पहले हमको करना है चेस्ट का कनेक्शन। सो गाइस यहाँ पे आएंगे हमारे 8 हॉपर, उसके बाद एक हॉपर यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ कुछ ब्लॉक वगैरह लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके चेस्ट यहाँ आएगी। सो गाइज एक और हॉपर बना के आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मेरे पास थोड़ा सा आयरन पड़ा होगा, एक ही आयरन और चाहिए तो वो पड़ा होगा मेरे पास। सो गाइज मैंने माइन करके आ गया था, आयरन मेरे पास था नहीं, और अब हमको नीचे चल के बनाना है हॉपर। और मैं वापस मोबाइल पे शिफ्ट कर चुका हूँ। मन तो करा गेट ही टूट, बट गेट एक्सी टूटा है ना। हाँ अच्छा, मैं पिकेक से टूट रहा। तो चलिए अब चलते हैं एक हॉपर क्राफ्ट करने। एक हॉपर और चाहिए, बेड नहीं हॉपर चाहिए। गाइस मैंने गलती से, अब हमको बनाना है। गाइस मैंने कुछ गलती क्राफ्ट कर दिया। बातों में ध्यान था, वापस चलते हैं माइन करने। सो गाइस फाइनली मैंने सब कुछ अब वापस कर दिया है, अब हॉपर ही बनाना है। तो गाइस 9 हॉपर बन चुके हैं, अब सबसे पहले चल के चेस्ट लगाना है। तो गाइस हमने यहाँ डिग किया था, अब हमको लगाना है सबसे पहले एक ब्लॉक लगाना है। डर्ट ही यहाँ आएंगे, फिर एक हॉपर आएगा यहाँ, उसके ऊपर है डर्ट ब्लॉक। चेस्ट आएगा हमारा गाइस यहाँ, अब हॉपर आएगा गाइस यहाँ। अगर आपको ऐसे कुछ हॉपर लगा देना है तो गाइस मैंने हॉपर लगा दिया साइड से, ये वाला हॉपर गलत लग गया है। कहाँ गया हॉपर, कहाँ गया? चेस्ट में आ गया। अब गाइस आपको हॉपर कनेक्ट भी करना है, अब आपको इसके ऊपर लगा देना है 2 ब्लॉक डॉट के। सो गाइज अब आपको यहाँ लगा देना है ट्रैप डोर। उसको कर देना है बंद। आपको इसको खोल के रखना है, और जे ये मैनुअल है गाइज, ऑटोमेटिक नहीं है, नीचे नहीं लगना है। आपको पूरी रात, जैसे आपको एक्सपी वर्क करना चाहिए तो आप थोड़ी देर यहाँ आ सकते हो। तो गाइस हमने यहाँ लगा दिया है, तो गाइस आपका फार्म कुछ ऐसा लगेगा।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डालना है लावा ताकि ये पूरी हर जगह में फैल जाए। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपका फार्म। अब मान लो आपको थोड़ी देर के लिए एक्सपी चाहिए एन्चांटिंग के वगैरह, एन्चांटिंग के लिए, तो आप यहाँ आके रात को पीसफुल से सेटिंग हटा के आप यहाँ खड़े हो सकते हो। आपको लगे तो आप ये भी ब्लॉक कर दो और आप खड़े हो जाओ सब खोल के। एंड आप फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज आपको देखेंगे वो आपके सामने से आएंगे, और अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप साइड लाइट से कवर भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्रीपर आया तो आपको उसको मारना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। तो यही था आज का कुछ वीडियो, छोटा सा फार्म है लेकिन काम अच्छा करता है अगर आपको ज़रूरत है तो, रिसोर्सेस कम है तो। और आज के बस वीडियो में इतना ही, अब एंड करते हैं इस वीडियो को। लेकिन ये फार्म ज़्यादा वर्किंग नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बस ये करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।